ये हाँ बताओ जोर से। ठीक है बहन जी, बार बार मत पूछो। दोस्त है छत्तीसगढ़ गुरु कौन सा तेरे से लिपटा रहेगा। एक बात, भगवान की जैसे ही शरण ग्रहण करोगे वो अपने आप ही आपको सही मार्गदर्शक दे देगा। आपको भगवान पे विश्वास होना चाहिए। देखो जो अच्छे पितर हैं उनको तो पूछने का कोई फल नहीं है, ठीक है। पितरों को तो सब कुछ मिलेगा, उसके लिए तो आप यज्ञ करते हैं, समय समय पे कुछ ना कुछ देते ही हैं। एक बात ध्यान से सुनो, जो बुरे हैं उनको देने की हानि होती है, इसलिए पितरों को पूछना ही नहीं चाहिए। आपके पिताजी हैं अभी? आपके दादाजी चले गए? आपके दादाजी हुक्का पीते थे? और क्या पीते थे? दादाजी तो मेरे लिए दारू पीते थे कभी कभी? मैं नहीं पता। तेरे सामने नहीं पी? नहीं। तेरे सामने दारू ही नहीं पीता दादाजी? मेरे दादाजी हाँ, तो फिर तुझे कैसे पता होगा? कुलदेवी कौन है? कुलदेवी कौन सी है? अरे नाम तो होगा कोई। काली जी? कौन सी काली जी है? रामकृष्ण परमहंस वाली या शमशान की काली? भोग क्या देता है काली को? भोग क्या देता है? फिर उसकी गर्दन काट देते हैं। काली ने मांगा था कि फिर नाराज हो गई तो सीधा कौन करेगा? फिर कंफ्यूजन तो घर से ही चालू है भाई तेरे, बाहर से कहाँ चालू है। सबसे पहले तो वो 3 साल में जो भैंसा कटरा देते हो उसको बंद करो, जो जीव की बलि देते हो। किसी से जीव मांगती नहीं, माता मांगती है। अरे जो गलत परंपरा है उसको तो छोड़ना पड़ेगा, जो अच्छी है सही है मार्ग वही तो चुनना पड़ेगा। फिर अब तू तो कंफ्यूजन में ही है, कंफ्यूजन में ही अपना भी जीवन निकाल देगा। कंफ्यूजन में ही तेरे दादे परदादे चले गए, तुम तो कंफ्यूज या परिवार हो। सही दिशा में जाना चाहिए। हमारी वीडियो देखते रहो, मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया है, हर एक क्वेश्चन का। आप वीडियो देखते रहो, हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया। होली दिवाली पे अपने जो निमित्त भोग है वो दे। अगर आपको कोई भी भोग देने के बाद शरीर में दबाव बढ़े, दर्द बढ़े, तो देना बंद कर दे, उसी दिन से छोड़ दे। अच्छे का और बुरे का पता चलता है बकायदा। आपने अच्छा खाया है, पेट स्वच्छ रहेगा, नरम रहेगा, टॉयलेट ठीक टाइम से जाओगे। बुरा खाया है, दस्त लग जाएंगे, ठीक है, अपच हो जाएगी, गैस बन जाएगी, कब्जी हो जाएगी। जब शरीर के खाए हुए का ऐसे पता चलता है तो पितृ पूछने का भी पता चलता। घर में शांति बढ़े, शरीर के दर्द कम हो, शारीरिक भार कम हो, कंधों के वजन घट जाए और हवा में तैरते से महसूस हो, तो फिर भोग दो, मैं मना नहीं करता। लेकिन दर्द बढ़ रहे हैं, भार बढ़ रहे हैं, कष्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो भोग देना बिल्कुल बंद। जय शनिदेव।